थंबनेल में आपने टाइटल एकदम सही पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि विराट कोहली जो है वो एक बिजनेसमैन है। आखिर कैसे? क्योंकि विराट कोहली तो हमने देखा है कि वो क्रिकेटर है, तो आखिर मैंने उसमें बिजनेसमैन कैसे ऐड कर दिया। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि विराट कोहली आखिर बिजनेसमैन किस तरह से है और क्रिकेट से वो कितना पैसा कमाते हैं और एज़ कम्पेयर टू जो उनकी इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस है उससे वो कितना पैसे कमाते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर विराट कोहली के कौन कौन से इनकम सोर्सेज हैं और उसके साथ साथ विराट कोहली कितने कंपनी ओन करते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कितनी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि BCCI के ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में केस स्टडी दिया और उसके साथ साथ एक पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको IPL के ऊपर मिल जाएगी, जिसमें मैंने BCCI के ऊपर टीम के ओनर पैसे कैसे कमाते हैं और कौन कौन टीम के कौन से ओनर है उसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं देखा वो सारी वीडियोज़ तो आप लोग जाके देख लो, लिंक जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे जो है विराट कोहली कैसे कमाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विराट कोहली की एक नेटवर्थ जो है वो कितनी है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली की 2023 में नेटवर्थ है टोटल 1030 करोड़। इसके बाद अगर मैं बात करूं विराट कोहली के सैलरी की, सबसे पहले उनकी क्रिकेट के ऊपर नज़र डालते हैं कि क्रिकेट से आखिर वो कितना पैसा कमाते हैं। पहला जो उनका इनकम सोर्स आता है वो आता है उनके BCCI की तरफ से, जिसमें BCCI की तरफ से उन्हें 7 करोड़ रुपीज़ एनुअली मिलते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ये जो रहता है BCCI की जो सैलरी उन्हें मिलती है वो ग्रेड्स के ऊपर डिसाइड होती है, जिसमें पहला जो ग्रेड रहता है वो रहता है A+, जिसमें 7 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं एनुअली। दूसरा जो रहता है वो रहता है A ग्रेड, जिसमें खिलाड़ी को जो है 5 करोड़ रुपये सालाना दिए जाते हैं। तीसरा होता है B ग्रेड, जिसके अकॉर्डिंग 3 करोड़ रुपये सालाना दिए जाते हैं। और लास्ट होता है C ग्रेड, जिसके अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपीज़ एनुअली दिए जाते हैं। अब विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखकर और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग ने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि विराट कोहली को जो है A+ ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में, तो इसीलिए उन्हें 7 करोड़ रुपीज़ एनुअली मिलता है। उसके बाद दूसरी जो इनकम सोर्स आती है उनकी वो आती है पर मैच खेलने की फ़ीस। जी हाँ, जब भी विराट कोहली कोई भी मैच वगैरह खेलते हैं या फिर कोई भी वो IPL की मैच वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए भी उन्हें 15 लाख रुपये पर मैच की फ़ीस दी जाती है। तीसरी अगर इनकम सोर्स की बात करो तो वो होती है ODI की फ़ीस। ODI यानी कि वन डे इंटरनेशनल में भी उनको खेलने के लिए जो है 6 लाख रुपये उन्हें दिए जाते हैं। चौथी जो है अगर उनकी जो सैलरी की बात करो तो वो जो होती है उनकी उनके रॉयल चैलेंजर्स टीम से, जो कि क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो रॉयल चैलेंजर्स के जो विराट कोहली है वो कैप्टन है, तो इसीलिए वहाँ से भी उनको 15 करोड़ रुपये एनुअली जो है मिलते हैं। और अगर सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है उनका T20 का मैच खेलने से, जिसमें पर T20 की मैच अगर वो खेलते हैं तो उसके लिए भी उन्हें 3 लाख रुपीज़ जो है दिए जाते हैं। तो ये तो सारी बात हो गई जो विराट कोहली को BCCI की तरफ से और एक क्रिकेट टीम के कैप्टन होने की तरफ से जो भी उनको सैलरी वगैरह दी जाती है उसकी। अब बात करते हैं विराट कोहली ने कौन कौन से बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर रखे और उसके साथ साथ उन्होंने कौन कौन से जो है स्टार्टअप में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। उससे पहले आपको मैंने दो चीज़ बता दूं जो कि विराट कोहली नहीं बल्कि हर एक क्रिकेटर की जो होती है इनकम सोर्स होती है। पहले जो होता है वो होता है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट। जी हाँ, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि विराट कोहली जो है एक प्रमोशन पोस्ट करने के अगर वो इंस्टाग्राम पे करते हैं तो उसके लिए जो है वो 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन अगर मैं 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बोलूँ तो विराट कोहली जो है अपना जो रेट है वो बढ़ा चुके हैं, जो कि अगर इंस्टाग्राम पे विराट कोहली अगर एक प्रमोशन पोस्ट करते हैं तो उसके लिए वो टोटल 8.9 CR रुपीज़ चार्ज करते हैं। जी हाँ, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वो होती है एडवर्टाइजमेंट से कमाई। जी हाँ, विराट कोहली जो है बहुत सारे ब्रांड्स के लग्जरी ब्रांड के भी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, जिससे उनको बहुत अच्छी कमाई होती है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं तो विराट कोहली जो है ऑडी के और कोलगेट जैसे लग्जरी ब्रांड के जो है ब्रांड एम्बेसडर है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि लग्जरी लाइफस्टाइल की वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा विराट कोहली के पास ऑडी कार जो है बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके वजह से बात करें एडवर्टाइजमेंट से उनकी कितनी कमाई होती है तो वो होती है टोटल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ रुपीज़ उन्होंने कमाए हैं ब्रांड एडवर्टाइज करके। ये तो सारी बातें हो गई जो दूसरे भी क्रिकेटर इन सब से कमाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ विराट कोहली की असली इनकम जो कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो उनका बिजनेस है वो है उनका पूमा के साथ कोलैबोरेशन। जी हाँ, विराट कोहली ने पूमा के साथ कोलैबोरेशन करके अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है 1-8 ब्रांड। उस ब्रांड में ये जो है विराट कोहली अपने स्पोर्ट्स के एसेसरीज जो है वो उसमें बेचेंगे और उसके साथ साथ पूमा ने इनके साथ जो है 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और टोटल जो है 110 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसके लिए पूमा ने बोला है कि इनको जो है पर ईयर के लिए जो है 10 से 12 करोड़ रुपीज़ जो है इनको पर ईयर मिलते रहेंगे अगले 8 साल के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली ने खुद का एक ब्रांड एक और लॉन्च किया है जिसका नाम है रॉन्ग। जी हाँ, आपने बहुत बार जो है रॉन्ग की एडवर्टाइज करते हुए विराट कोहली को देखा होगा, तो विराट कोहली जो है वो अपने ब्रांड को जो है वो प्रमोशन करते हैं।
तीसरा जो विराट कोहली का बिजनेस है वो है रेस्टोरेंट का बिजनेस। जी तो विराट कोहली जो है उन्होंने भी अपना एक लग्जरी रेस्टोरेंट जो है ओपन किया है जिसका नाम है युवा करके, जो कि न्यू दिल्ली में ओपन किया गया है 2018 में जो है इसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे लग्जरी जो डिशेज अवेलेबल रहते हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं। चौथा अगर मैं बिजनेस की बात करूँ विराट कोहली जिसको ओपन करते हैं वो है उनका चेसल जिम में, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जी हाँ, चेसल जिम जो है वो एक बेंगलोर बेस्ड जिम है जिसके अंदर विराट कोहली ने 2015 के अंदर 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह उसको अपग्रेड करने के लिए और उसके साथ साथ जो भी चेसल जिम है उसकी अलग अलग फ्रेंचाइजी देने के लिए। इसके बाद विराट कोहली ने टेक्नोलॉजी को देखते हुए अपना एक खुद का ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है स्पोर्ट्स कॉन्वो। जी हाँ, उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉन्वो करके ऐप को लॉन्च किया है जिसमें आप जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरी बिजनेस की बात करूँ तो विराट कोहली ने जो है एक स्टेप्टलॉन किट्स करके एक फिटनेस का स्टार्टअप है उसमें विराट कोहली ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब ये जो कंपनी है ये बेसिकली क्या करती है, जितने भी 8 से 12 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, उनके डाइट के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये ध्यान रखती है। इसके अलावा आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि विराट कोहली खुद ही एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए और उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को देखते हुए उन्होंने भी एक स्पोर्ट्स की टीम जो है खरीद रखी है जिसका नाम है FC गोवा। जी हाँ, ये टीम क्या करती है, ये टीम जो है इंडियन सुपर लीग, जैसे IPL होता है तो IPL की तरह एक और होता है इंडियन सुपर लीग, उस जो गेम होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करती है और लास्ट ईयर जो है ये टीम जो है 4th रैंक पर रही थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली ने एक और टीम खरीद रखा है जो कि है रेसलिंग टीम, बेंगलोर योद्धा करके है, ये टीम को भी विराट कोहली ने परचेस किया हुआ है। और इतनी सारी टीमें खरीदने के बाद भी विराट कोहली का मन नहीं भरा तो इसीलिए उन्होंने दुबई की एक टेनिस टीम है UAE रॉयल करके उसमें भी जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने देखा विराट कोहली ने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट किया है और इसीलिए मैंने जो है वीडियो के थंबनेल पे डाला था ऑप्शन कि विराट कोहली जो है क्रिकेटर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है, क्योंकि जितना पैसा वो अपने क्रिकेट से नहीं कमाते हैं वो उससे ज़्यादा पैसा जो है अपने स्टार्टअप वगैरह और बिजनेसेस में जो उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उससे वो कमाते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो तो आप उसको लाइक कर देना, उसके साथ साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोग का कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर आपको वीडियो जो है बना के दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।